subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. माना कि वजूद मुकद्दस पे दो दलील, एक कुरान से पेश करना चाहता हूं और दूसरा अकली दलील या साइंस की एक दलील पेश करना चाहता हूं कि इमाम ज़माना आज जिंदा और मौजूद है। दो दलीलें वजूद मुकद्दस से इमाम ज़माना पे, एक कुरान से और एक साइंस से। यूं तो कुरान के अंदर हर वो आयत जो अभी तक जिंदा ताबीर है, जिसकी तफसीर सामने नहीं आई, वो दलील है वजूद इमाम ज़माना पे। मैं अगर चाहूं तो इस वक्त मेरे जहन में तकरीबन 5 से 7 आयत, शायद 8 आयत मौजूद हैं जो मैं पेश कर सकता हूं सिर्फ वजूद मुकद्दस इमाम ज़माना पे। कुरान से आयत पेश कर सकता हूं, इस वक्त जहन में मौजूद हैं। अज़ान गिरामी, आयत जरा मैं एक सिर्फ मैंने वादा किया है आयत पेश करना चाहता हूं और शायद दो चले आयत पेश कर दूंगा। अल्लामा तबतबाई से सवाल किया गया कि कौन सी आयत सबसे बड़ी दलील है वजूद मुकद्दस इमाम ज़माना पे, तो आपने कहा सूरह कद्र की ये आयत कि तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि हर शबे कद्र के अंदर मलाइका और रूहुल अमीन नाजिल होते हैं हर अम्र को लेके, अपने रब की इजाजत से हर अम्र को लेके, हर अम्र को लेके नाजिल होते हैं। मैंने तर्जमा पेश कर दिया है लेकिन पहुंचा नहीं पाया। ये नहीं कहा कि शबे कद्र में मलाइका और रूहुल अमीन नाजिल हुए थे। अगर तर्जुमा तनज़्ज़ुल मलाइकतु माजी का सीगा होता ना, माजी का सीगा होता तो एक मरतबा पैगंबरे सलाम पे मलाइका और रूहुल अमीन नाजिल हुए थे तर्जुमा बनता, लेकिन है तनज़्ज़ुल यानी तनज़्ज़ुलो मुदारे का सीगा है, जिसे आप लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी आज भी जब शबे कदर आती है तो मलाइका नाजिल होते हैं, हर शबे कदर में आज भी नाजिल होते हैं, पैगंबर के जमाने में उन पे नाजिल होते थे। आज कोई पैगंबर जैसा मौजूद है ना जिन पे मलाइका और रूहुल अमीन नाजिल होते हैं, आज भी नाजिल होते हैं, हर अम्र को लेके नाजिल होते हैं। वयसअलूनक अन रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, मेरे हबीबी आपसे रूह के मुतालिक सवाल करते हैं, कह दीजिए रूह भी मेरे रब का एक अम्र है। यानी रूह क्या है? जिंदगी मौत, कौन सी रूह आने वाली है, कौन सी जाने वाली है। रिस्क भी अम्र है, फलों का आना नाजिल होना, बारिश का आना, ये सब चीजें अम्र है। पता नहीं मैं बात पहुंचा पा रहा हूं या नहीं, ये सारे अम्र है, हर अम्र को लेके मलाइका नाजिल होते हैं। फीहा युफरको खुल्लो अमरिन हकीम, सूरह दुखान के अंदर दूसरी आयत मैंने पेश कर दी है, सूरह दुखान के अंदर आयत नाजिल हुई है कि हर अम्र को इस रात में तकसीम किया जाता है। तो कोई ऐसा उलिल अमर है ना जिसपे हर अमर नाजिल होता है? तो कोई उलिल अमर है जिसपे हर अमर नाजिल होता है? मलाइका और रूहुल अमीन नाजिल होते हैं। आज भी कोई ऐसा पैगंबर का वसी मौजूद है जो पैगंबर जैसा, जिसपे सारे अमर नाजिल होते हैं? तो अज़ीज़ाने किराम, कुरान की हर वो आयत जो अभी तक जिंदा ताबीर है वजूद मुकद्दस पे इमाम की दलील है। आज़ीज़ाने, मैं दूसरी दलील जो साइंस से मैंने कहा था, अज़ीज़ाने किराम, अब साइंस यही आपका जिस्म है, इसी चेहरे के ऊपर अगर आप देखें तो कितने बाल हैं, दाढ़ी के बाल हैं, भवों के बाल हैं, सर के भी बाल हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, तवज्जो है मजमे की मेरे साथ? अब देखिए, अगर आप दाढ़ी के बाल बढ़ते रहते हैं, सफेद भी हो जाते हैं, झड़ते भी हैं, काटने पड़ते हैं, भवों के बाल वैसे ही रहते हैं, नहीं पहुंचा पा रहा बात को। जिस्म एक है, खाल एक है, गजा एक है, मैं वही कैल्शियम खाता हूं, वही कार्बोहाइड्रेट है, वही प्रोटीन है, वही विटामिन है, हर चीज वही, वही पानी है, तमाम खुराक के अज्जा वही हैं जो खा रहा हूं, खाल भी वही है, लेकिन दाढ़ी के बालों पे असर और है, भवों के बालों पे असर और है। जब एक जिस्म में होते हुए, एक ही बदन पे होते हुए, एक ही आदमी के एक जिस्म में दो बालों को दो असर हो सकते हैं, तो दो जिस्मों में दो असर क्यों नहीं हो सकते हैं?